भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हिमाचल के प्रवास पर हैं। आज उनका कुल्लू का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक कार्यक्रम में फेरबदल करते हुए जेपी नड्डा बिलासपुर से आईजीएमसी पहुंच गए, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह लगभग पिछले 2.5 माह से अस्पताल में भर्ती है। वीरभद्र सिंह दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद उनकी रिपोर्ट ठीक आई थी, लेकिन हाथ की समस्या के चलते वे कार्डियो में उपचाराधीन है। नड्डा ने आईजीएमसी पहुंचकर वीरभद्र सिंह का कुशल क्षेम पूछा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का हाल जानने के बाद मीडिया से रूबरू जेपी नड्डा ने बताया कि वीरभद्र सिंह की स्थिति को देखते हुए उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, वह डॉक्टरों की निगरानी में वह रिस्पॉन्ड कर रही हैं। वीरभद्र सिंह बोल्ड व्यक्तित्व है, उनकी इच्छा शक्ति भी सुदृढ़ है। भारतीय राजनीति में उनकी अपनी एक अलग पहचान है, वह जल्द ही स्वस्थ होकर फिर से सामाजिक जीवन में सेवा कर सके, ऐसी उनकी कामना है। बाकी डॉक्टर उनकी स्वास्थ्य की सेवा में लगे हुए हैं। उनको वीरभद्र सिंह के बारे में जानकारी थी, इसलिए कुल्लू जाने से पहले उनका हाल चाल जाना है। मैं हिमाचल के 2 दिन के प्रवास पर आया, कल मैं बिलासपुर था, आज कुल्लू जा रहा हूँ और वहाँ संगठन की बैठक भी है जिसमें भाग लेना है। और जब मैं हिमाचल आया तो मुझे इस बात की जानकारी थी कि वीरभद्र जी काफ़ी समय से आईजीएमसी में भर्ती हैं और उनका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज है, तो उनको देखने के लिए मैं आया। जयराम जी मेरे साथ हैं, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात हुई। ये ठीक है कि उनकी बातचीत और डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने से ध्यान में आया है कि डॉक्टर्स पूरी ताकत के साथ वह स्वस्थ हों इसकी चिंता कर रहे हैं, और हम सब लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द रिकवर करें। और हम सब जानते हैं कि वह एक बोल्ड व्यक्तित्व हैं जो ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को रिकवर करने में उनका जो विल पावर है वो बड़ा स्ट्रांग है, और ईश्वर उनको शक्ति दे कि वह डॉक्टर्स के मेडिकेशन से रिस्पॉन्ड करते हुए जल्द स्वस्थ हों और फिर से सार्वजनिक जीवन में प्रदेश की भी सेवा करें और मानवता के लिए जो काम किया है उन्होंने उसको आगे बढ़ाएं। मैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको लंबी आयु और जल्दी वो स्वस्थ हों, इस बात की मैं प्रार्थना करता हूं। अभी जिस तरीके से उनका अभी मेडिकेशन चल रहा है उसमें बातचीत करना उचित नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने से ध्यान में आया कि ही इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।